नेक्स्ट इट इज मेन पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस, यानी कि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को एनालाइज करना है, तो कुछ एक चेंजेस रहते हैं जो हमें वेरियस परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बारे में बताते हैं, जिनको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यानी कि अगर उन चीजों में कुछ चेंजेस होते हैं तो वहां वो बेसिकली हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक की मार्क होना चाहिए जिसके थ्रू हम पता लगा पाएंगे कि जो एंटरप्राइज है वो किस तरह से काम कर रही है। लाइकवाइज अगर सेल्स में इंक्रीज होता है, अगर सेल्स में इंक्रीज होता है, अगर सेल में इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है कि जो फर्म है वो बेटर परफॉर्म कर रही है। इन जनरल तो हम यही कहेंगे कि फेवरेबल ट्रेंड है, यानी कि अगर सेल आपकी बढ़ गई है तो हम यही कहेंगे ना कि फेवरेबल ट्रेंड है। लेकिन यहां पर भी जो ब्रांच है, यानी कि जो बैंक है, उसे इस चीज को असर्टन करना है कि जो इंक्रीज है वो क्वांटिटेटिव हो। इस चीज को असर्टन करना है कि जो सेल्स में इंक्रीज हुआ है वो क्वांटिटेटिव हो, इस चीज के बेस पर ना हो कि जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर का वो इंक्रीज हो गया, उसके कारण सेल जो है वो बढ़ गई है। लाइकवाइज पहले एक प्रोडक्ट आप यहां पर प्रोड्यूस कर रहे थे जिसका प्राइस था ₹100, एंड उसके मुताबिक आपकी जो सेल थी डेट वॉज 50 लाख रुपीज। इस ₹100 के प्रोडक्ट के लिए जो सेल थी वो थी ₹50 लाख। ठीक है, अब उसी प्रोडक्ट का प्राइस आपने कर दिया है 149, एंड आपकी जो सेल है वो हो गई है ₹52 लाख। तो अल्टीमेटली अगर क्वांटिटेटिव वाइज देखें तो सेल क्या हुई है, डाउन हुई है। क्वांटिटी वाइज तो डाउन हुई है ना, चाहे यहां पर वैल्यू वाइज जो सेल थी वो आपकी बढ़ गई, वैल्यू वाइज सेल बढ़ गई, मे बी इन्फ्लेशन के कारण से रेट बढ़ाया हो, या जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई उसके कारण रेट आपने इंक्रीज किया हो, लेकिन जो इंक्रीज इन सेल है वो फेवरेबल तो रहता है। लेकिन बैंक को इस चीज को यहां पर असर्टेन करना है कि जो यहां पर इंक्रीज हो वो क्वांटिटेटिव इंक्रीज हो, एंड इन्फ्लेशन के अकाउंट पर ऐसा इंक्रीज ना हो। सिमिलरली जो ग्रॉस सेल है उसे यहां पर ध्यान से देखा जाना चाहिए, उसे ध्यान से एनालाइज किया जाना चाहिए ताकि हम जेन्युइन बिजनेस सेल्स को आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग डिक्रीज इन सेल्स। जो डिक्रीज इन सेल है डेट इज नॉट फेवरेबल, यानी कि अगर आपकी सेल जो है वो कम हो रही है तो वो फेवरेबल ट्रेंड नहीं है। लेकिन यहां पर जो एनालिस्ट है उसे इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो डिक्रीज इन सेल है वो किन कारणों के कारण हो रही है। मे बी हो सकता है कि जो फर्म है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसकी जो मशीनरी है वो पुरानी हो, एंड उसने अपग्रेडेशन के लिए लोन लेना हो। ठीक है, तो उसके कारण हो सकता है कि पुरानी मशीनरी के कारण वो प्रॉपर आउटपुट या कैपेसिटी को यूटिलाइज ना कर पा रहा हो। ठीक है, सो जो भी डिफरेंट रीजन हो सकते हैं उनको यहां पर जो एनालिस्ट होगा वो समझने की कोशिश करेगा कि सेल के कम होने का कारण क्या रहा है। लाइकवाइज रिसेशन हो सकता है, मे बी हो सकता है कि पूरी इकोनॉमी मंदी चल रही हो, या फिर हो सकता है जो ट्रेडिंग हो वो कम चल रही हो, फर्दर हो सकता है कि जो डिमांड है वो कस्टमर की प्रेफरेंस में चेंजेस होने के कारण कम हो गई हो, या फिर जो प्राइस है वो कंपटीशन के कारण कम करना पड़ गया हो, या क्वालिटी डिटेरियट हो गई हो, खराब हो गई हो। फर्दर हो सकता है कि जो डिलीवरी शेड्यूल है वो डिफेक्टिव हो, क्या टाइम पर आपने डिलीवरी ना की हो प्रोडक्ट्स की, उसके हिसाब से भी आपकी जो सेल्स है वो कम हुई है, या फिर जो क्रेडिट टर्म्स है वो चेंज हुई हो, या जो प्रोडक्ट हो सकता है मे बी ऑब्सोलीट हो गया हो। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट का एक टाइम रहता है ना कि प्रोडक्ट एक समय तक चलेगा, तो वो टाइम ही खत्म हो गया। जैसे पहले अगर टेलीविजन जो थे वो दूसरे बड़े वाले पे टेलीविजन चलते थे, एलईडी नहीं चलते थे, तो अगर कोई कंपनी ने अगर शिफ्ट ही नहीं किया, वो एलईडी बनाना शुरू नहीं कर रही है, पुराने टीवी ही या मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उस समय पर वो ऑब्सोलीट हो जाएगी ना। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द इंक्रीज इन प्रॉफिट। जो इंक्रीज इन प्रॉफिट है वो एक फेवरेबल ट्रेंड है। वो क्या है, फेवरेबल ट्रेंड है, यानी कि अगर कोई फर्म या कोई एंटिटी, कोई एंटरप्राइज ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है वो तो बेहतर ही चीज है ना। लेकिन जो एनालिस्ट है उसे इस चीज को एनालाइज करना है, उस चीज को वेरीफाई करना है कि जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसे रिटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, कि प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा है उसे रिटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अब प्रॉफिट जो जनरेट किया जा रहा है उसका रिटेन करने का कारण क्या है। लाइकवाइज एक कंपनी का एग्जाम्पल लीजिए, एक कंपनी यहां पर 5 करोड़ का प्रॉफिट इसने जनरेट किया, एंड 5 करोड़ का जो प्रॉफिट था इसने एज इट इज डिविडेंड अपने जो शेयर होल्डर्स है उनमें बांट दिया। ठीक है, तो इसने अपनी ग्रोथ के लिए फर्दर यहां पर पैसा रिटेन नहीं किया, यहां पर पैसा रिटेन नहीं किया, डिविडेंड यहां पर इसने बांट दिया ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा पैसा लगाएं। ठीक है, तो वो क्या है, एक माल प्रैक्टिस है, एक बुरी प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए कि कुछ एक पैसा यहां पर रिटेन किया जाना चाहिए कंपनी के द्वारा, ताकि फर्दर जो इसके आने वाले जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीटअप किया जा सके। एंड फर्दर हो सकता है प्रॉफिट इज मेड आउट ऑफ जेन्युइन सेल्स ऑपरेशंस, एंड इस चीज को भी कंफर्म करना है कि जो प्रॉफिट हो वो जेन्युइन सेल्स ऑपरेशंस के थ्रू बनाया गया हो,
यानी कि सेल ऑफ एसेट के थ्रू यहां पर प्रॉफिट ना जनरेट किया गया हो, ये ना हुआ हो कि आपने प्रॉफिट जनरेट किया हो एसेट्स को बेच करके, या फिर जो मेन स्ट्रीम इनकम है यानी कि जो आपका कोर बिजनेस है उसके अलावा किसी और बिजनेस से आपको इनकम हुई हो, तो इस चीज की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है कि जो आपको मेन इनकम हुई है, मेन प्रॉफिट हुआ है, वो आपके कोर बिजनेस से हुआ। अगर नॉन कोर बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है उसका मतलब है कि जो कंपनी है, जो कंपनी है लेट इट बी C1, कंपनी अपने ट्रेंड को चेंज करी है, यानी कि अगर पहले एक प्रोडक्ट से यहां पर प्रॉफिट अर्न कर रही थी, अब वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर रही है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखने वाली होगी बैंक के लिए कि अब कंपनी जो है वो पुराने प्रोडक्ट के लिए लोन लेने के लिए तो नहीं आई है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर बैंक एनालिसिस करेगा। फर्दर इट इज रिगार्डिंग डिक्रीज इन प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है तो ये एक हेल्दी साइन नहीं है, ठीक है। तो बैंक ब्रांचेस को इस चीज को इंश्योर करना होगा कि इसका रीजन क्या है। फर्दर इंक्रीज इन डेब्टर, डेब्टर क्या रहते हैं, जैसे जिनको आपने उधार दिया है, ठीक है, कंपनी ने सामान तो दिया लेकिन उधार पर दिया, जरूरी था ना कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो आप कैश पर हो, आपको क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन देनी पड़ रही है ना। लाइकवाइज आपने अगर एक पर्सन को सामान बेचा, C1 कंपनी ने सामान बेचा, तो हो भी सकता है कि पर्सन ए जो है या फिर जो इंडिविजुअल है या जो फर्म है ये आपको साथ के साथ पैसे दे दे, या हो सकता है ये आपको, आपने इसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया कि आप पैसे ये पर्सन जो है 3 महीने बाद पे करेगा। अगर आपके डेब्टर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, अगर आपके डेब्टर लगातार इंक्रीज हो गए हैं, इसके साथ आपकी सेल्स तो बढ़ गई, इसके साथ आपकी सेल्स तो इंक्रीज हो गई, लेकिन अब ये जो सेल है इसके साथ ये भी चीज देखनी पड़ेगी। जब सेल्स आपकी जो डेब्टर है इंक्रीज होते हैं ना, तो इसके साथ एक और चीज देखनी पड़ेगी कि आपकी जो बैड या फिर डाउटफुल डेब्ट है वो तो नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। अगर वो भी साथ में इंक्रीज हो रहे हैं तो वो एक दिक्कत वाली बात रहेगी। फर्दर एज ऑफ डेब्टर को यहां पर देखना बहुत जरूरी है। एज ऑफ डेब्टर का मतलब है कि इस डेब्ट को चलते हुए कितना समय हो गया। अब एक डेब्ट को चलते हुए 3 महीने का समय दिया था, अब वो 3 महीने से ज्यादा चल रहा है, ठीक है, तो वो एज ऑफ डेब्ट कहलाती है। जब हम ये चीज को देखते हैं कि इस डेब्ट को चलते हुए कितना समय हो गया। साथ में एज आई टोल्ड यू इस चीज को भी देखना है कि जो आपके खराब लोन है, खराब डेब्ट है, कहीं वो बढ़ तो नहीं रहे हैं। ये तो नहीं है कि जो पुराने डेब्ट हैं आप उनकी रिकवरी नहीं कर पा रहे, नॉन रिकवरी ऑफ द ड्यूज, ठीक है। एंड जो डेब्टर आपके 6 महीने से ज्यादा हैं, जिनको 6 महीने से ज्यादा चलते हो गए हुए हैं, या फिर जहां पर C1 ने अपनी सिस्टर कंसर्न को, इसके जो एसोसिएट्स हैं उनको डेब्ट दे रखे हैं, लाइकवाइज हो सकता है इसकी सिस्टर कंसर्न है C2 उसमें डेब्ट दे रखा है, तो उनको डेब्ट को अलग से यहां पर शो करना पड़ेगा, उनको डेब्ट को अलग से शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इट इज डिक्रीज इन डेब्टर्स, अगर आपके डेब्टर जो डिक्रीज होते हैं वो एक फेवरेबल साइन है, वो एक फेवरेबल साइन है। बट साथ में एक चीज को इंश्योर करना है कि जब आपके डेब्टर कम हो रहे हैं तो उसके साथ क्या आपकी बैंक बोरिंग भी कम हो रही है। अदरवाइज ये तो नहीं है कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स किया जा रहा है, कि फंड्स को कहीं और पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट इट इज इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, अगर आपके क्रेडिटर जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं तो बैंक ब्रांच को यहां पर बहुत सावधानी से वेरीफाई करना पड़ेगा। देखिए इंक्रीज इन क्रेडिटर 2 कारण से हो सकता है। पहली चीज जो ध्यान में रखने वाली है, एक तो ये है कि आपकी जो मार्केट रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उसकी वजह से जो पहले आपका जो वेंडर था, जो आपका सप्लायर था, लेट इट बी पर्सन ए, जो आपको पहले 1 महीने का यहां पर क्रेडिट दे रहा था, अब वो आपको 6 महीने का क्रेडिट देने को तैयार है ड्यू टू योर रेपुटेशन, ठीक है, ड्यू टू योर मार्केट रेपुटेशन। एक रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपने पहले वेंडर के पैसे वापस नहीं किए, एक और वेंडर, नया वेंडर पकड़ लिया, इसने माल नहीं दिया तो इससे माल ले लेते हैं, इससे सप्लाई ले लेते हैं, इसमें क्या है, ठीक है। तो उसके केस में क्या है, इसके केस में भी आपका क्रेडिट तो इंक्रीज हो गया, ठीक है, इसमें भी आपके क्रेडिट इंक्रीज हो गए। तो यहां पर बैंक ब्रांच को केयरफुली इस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि इंक्रीज ऑफ क्रेडिटर जो है वो किस कारण से हुआ है। तो फर्दर एक चीज यहां पर जो वेरीफाई करने वाली, डेट वुड बी रिगार्डिंग कि आपके अगर क्रेडिटर इंक्रीज हुए हैं उसके साथ आपका लेवल ऑफ जो स्टॉक है एंड जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं वो भी यहां पर बढ़ी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने रॉ मटेरियल क्रेडिट पर लिया है, ठीक है, आपने क्रेडिट लिया है रॉ मटेरियल, तो उसके साथ आपका जो लेवल ऑफ स्टॉक है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। साथ के साथ अगर आपकी जो आपने क्रेडिट पे कोई सामान लिया है तो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी इंक्रीज होनी चाहिए। नेक्स्ट इट इज इंक्रीज इन कैपिटल। तो जब इंक्रीज इन कैपिटल रहता है तो बैंक ब्रांच को इस चीज को निश्चित करना है कि इंक्रीज इन कैपिटल रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के बिहाफ पर नहीं हुआ है।
ये नहीं है कि आपने जो एसेट्स है उनकी रिवैल्यूएशन करवाई है, उसके हिसाब से जो कैपिटल है वो आपकी इंक्रीज हुई है। फर्दर ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो रिजर्व्स हैं उनको कैपिटलाइज कर लिया है, यानी कि रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया है, या फिर जो फंड्स बोरो किए गए हैं इंडिविजुअल पार्टनर के द्वारा उनका इस्तेमाल किया गया है कैपिटल को इंक्रीज करने में। ठीक है, तो इस चीज को इंश्योर करना यहां पर जरूरी है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट क्या रहते हैं, लाइकवाइज आपका कोई एसेट था, लाइकवाइज कोई मशीन थी या कोई प्रॉपर्टी थी जिसकी वैल्यू लेट इट बी 2001 में थी 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आपने उस प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन करवाई है 2019 में या 2020 में 21 में, तब उसकी वैल्यूएशन क्या है, तब उसकी वैल्यूएशन जो नई वैल्यूएशन आई है वो आई है यहां पर 6 लाख रुपए। तो यहां पर जो वैल्यू इंक्रीज हुई है यहां पर एसेट की, तो वो कहां पर रखी जाएगी, डेट विल बी प्लेस्ड इन रिवैल्यूएशन रिजर्व। वो कहां पर रखी जाएगी, रिवैल्यूएशन रिजर्व में रखी जाएगी। तो इस चीज को भी इंश्योर करना है कि जो आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई है कहीं वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के कारण तो नहीं हुई, या फिर जो आपके रिजर्व्स ऑलरेडी पड़े थे उनको आपने कैपिटलाइज तो नहीं कर लिया, या जो पार्टनर्स के द्वारा फंड्स बोरो किए गए हैं इंडिविजुअली कहीं उनको तो नहीं कैपिटलाइज किया गया। तो ब्रांच को इस चीज को असर्टेन करना चाहिए कि जो इंक्रीज है कैपिटल में वो समय के साथ चलते चलते हुआ है, एंड साथ में यूटिलाइजेशन का क्या प्रोसेस रहा है इस तरह के फंड्स का, उसको भी यहां पर निश्चित करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स। तो बैंक ब्रांच को यहां पर एक चीज को निश्चित करना पड़ेगा कि जो इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट है वो प्रोजेक्टेड बिजनेस प्लान के हिसाब से है, एंड साथ के साथ जो सोर्सेज रहे हैं फाइनेंस के उन एसेट्स को क्रिएट करने में उनको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। फर्दर कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि जो बोरोअर है उसने किसी तरह की एक्सपेंशन की है या फिर बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है बिना नोटिस दिए ब्रांच को, या फिर कोई नया फिक्स्ड एसेट जो है ऐड किया गया है विदाउट द कंट्रीब्यूशन टू द अर्निंग्स ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि जो एंटरप्राइज थी उसकी अर्निंग्स में कहीं खुद कंट्रीब्यूशन नहीं दी, उसके अलावा ही यहां पर जो फिक्स्ड एसेट्स है उसको ऐड कर लिया गया है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में ध्यान से जो बैंक ब्रांच है उसे असर्टन करनी पड़ेगी इस फैक्ट को। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन। तो बैंक ब्रांच को यहां पर इस चीज को असर्टन करना है कि जो डेप्रिसिएशन है उसका सही तरीका जो है, यहाँ जो एक्सेप्टेड मेथड है डेप्रिसिएशन का, वो कंसिस्टेंटली यहां पर बोरोर के द्वारा अपनाया जा रहा है या नहीं अपनाया जा रहा। फर्दर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जा रही है वो सभी आइटम्स के ऊपर रेगुलरली कैलकुलेट की जा रही है या नहीं की जा रही है, कहीं ये तो नहीं है कि जो एसेट्स हैं उनकी ओवर वैल्यू शो की जा रही है, यानी कि अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे किसी एसेट के ऊपर तो ओवर वैल्यू शो होगी ना। लाइकवाइज अगर किसी एसेट की वैल्यू थी 1 लाख रुपए एंड यहां पर आप सिंपल डेप्रिसिएशन के थ्रू कैलकुलेट कर रहे थे एंड डेप्रिसिएशन रेट थी कितनी, 33%। ठीक है, तो 33% के हिसाब से 33,000 जो थी वो आप पहले साल यहां पर कम होनी चाहिए थी, लेकिन आपने पहले साल तो कम कर ली, उसके बाद जो वैल्यू थी उसमें डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं, तो उसके केस में क्या रहेगा, उसके केस में क्या रहेगा कि उसकी जो वैल्यू है वो तो अभी भी 66 या 67,000 पर आउटस्टैंडिंग खड़ी है ना, तो उसके केस में तो क्या रहेगी, एक दिक्कत वाली बात रह जाएगी क्योंकि जो कंपनी के जो एसेट हैं वो ओवर वैल्यूड है यहाँ पर। देन इट इज रिडक्शन इन प्रोविजन। तो बैंक ब्रांच को इस चीज को इंश्योर करना है कि जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यहां पर कंटिंजेंट लाइबिलिटी के हिसाब से रखा गया है, ताकि अगर कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्रिस्टलाइज होती है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी के क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या, आपको एंटिसिपेटेड था कि आपको कोई लॉस हो सकता है आने वाले समय में, उसके लिए आपने रिजर्व एक साइड पर रख दिया, यानी कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी के लिए आपने एक प्रोविजन जो थी वो आपने क्रिएट कर दी है, तो वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रोविजन है वो अप्रोप्रिएटली एज पर द कंटिंजेंट लाइबिलिटी मेंटेन्ड है या नहीं है, ताकि अगर वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी आने वाले समय में क्रिस्टलाइज होती है तो उसके समय में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी रिगार्डिंग द लिक्विडिटी। देन इट इज रिगार्डिंग द इनटेंजिबल एसेट्स एंड नॉन कन्वर्टिबल एसेट्स। तो बैंक ब्रांच को यहां पर इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश करनी चाहिए कि ओवर द टाइम जो ऐसे एसेट्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं, वो रिड्यूस हुए हैं। नॉन कन्वर्टिबल एसेट्स आपके ऐसे एसेट्स हैं जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनटेंजिबल एसेट्स आपके कौन से होते हैं, वो एसेट्स जिनको आप छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, जैसे कि कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट इज रिडक्शन इन टर्म लोन्स। अगर आपके टर्म लोन कम हो रहे हैं तो वो क्या है, एक फेवरेबल पोजीशन है बैंक के लिए।
वो क्या है, फेवरेबल एक आपकी पोजीशन है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको एक चीज के लिए सावधान रहना है यहां पर बैंक ब्रांच को, कि सोर्सेज को यहां पर देखना है कि किन सोर्सेज के थ्रू जो इंस्टॉलमेंट्स उनको पे किया गया है, यानी कि जो भी सोर्सेज हैं दोज शुड रिलेट टू द रिपोर्टेड बैलेंसेज इन द बैलेंस शीट। तो बैंक ब्रांच को चाहिए कि वो बैंक जो बैलेंस शीट है कंपनी की, फर्दर जो ऑडिट रिपोर्ट है, उनको इकट्ठे एक साथ में पढ़े, ताकि जो ऑडिटर ने जिन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है प्लस ऑडिटर के जो कमेंट्स हैं अकाउंट्स के ऊपर, उनके हिसाब से बैलेंस शीट को एनालाइज किया जा सके।